नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ, वेताल 25। अगर आपने पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो पिछली कहानी वेताल ने राजा को सुनाई, और जैसे ही कहानी सुनाई तो वेताल ने राजा से पूछा कि हे राजन, बताओ कि जो पति है, धर्मदत्त है और चोर है, इन तीनों में से सबसे अधिक त्यागी कौन है। इस पर राजा ने जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा त्यागी चोर है, क्योंकि मदन सेना का पति तो उसे उस दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता। धर्मदत्त, जिसके पास मदन सेना गई थी, वह उसे इसलिए छोड़ देता कि उसका मन बदल गया था। फिर भी उसे यह भी डर रहेगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर को न उसके पति का पता था और न ही धर्मदत्त का, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से ज्यादा त्यागी है। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा वापस गया और वेताल को अपने साथ ले आया। रास्ते में वेताल ने दोबारा एक कहानी सुनानी आरंभ। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का राजा राज करता था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राजा का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना बनाकर तीर्थ की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निशिचद नाम का एक सौदागर वहां आया, और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर वापस लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ उसे देखकर। दीवान अपने नगर लौटा और लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए फिर बेचैन हो उठा, और राजा का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर उसी कल्पवृक्ष के पास जा पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय उसे दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगाक्षेन की कन्या हूँ, मृगाकवंती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी, और राजा उसे नहीं रोकेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगाकवंती वहां से चली गई। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगाकवंती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगाकवंती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो उसने कहा, महाराज मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई, पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे साफ दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निकल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूँगी। जब मैंने उनसे साँप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस की निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरा यह साप अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर वेताल ने कहा, हे राजन, अब यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो सकता है? आपको भी अगर कुछ लगता है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ, तो आप अपना जवाब जरूर दें। और आपको इस जवाब, राजा ने क्या जवाब दिया, वो हम आपको बताएंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी।